हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई द बोगी मैन मूवी को, जो कि एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सैफ सैवेज ने और इस मूवी की रेटिंग अभी से ही काफी हाई चल रही है। तो चलिए देर न करते हैं, मूवी की स्टोरी को सीधे आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके पास में कोई क्रिएचर जैसा मॉन्स्टर होता है जो उस बच्ची को वहीं पर खत्म कर देता है और इसी के साथ ही यह सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद यह सीन एक लड़की सैंडी पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी माँ की ड्रेस को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और हमें पता चलता है कि सैंडी की माँ की मौत हाल ही में किसी एक्सीडेंट में हो गई है जिसके गम से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है बट निकल नहीं पा रही है। फिर हम उसके पिता विलियम को देखते हैं जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अंदर से टूट गए होते हैं और बाहर से ठीक होने का दिखावा कर रहे होते हैं ताकि बच्चों को कोई भी फर्क ना पड़े, लेकिन वो अपनी हालत खुद ही जानता है। विलियम पेशे से एक साइकाट्रिस्ट होता है। उसकी एक और छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम सॉयर होता है और उसे एक फोबिया होता है जिसमें कि उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो लाइट बंद करके नहीं सोती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में उसके आसपास कोई डीमन या फिर एविल एंटिटी आ जाएगा जो उसे वहीं पर मार देगा। खैर, इन सब के बाद विलियम अपने दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। सैंडी की एक दोस्त बेथनी होती है जो उसकी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है और यहाँ पर सैंडी अपने मॉम के ड्रेस को पहनकर आई होती है जिस पर कि एक लड़की उसके ड्रेस पे कमेंट पास करने लगती है और उसी बहस के चक्कर में सैंडी के ड्रेस पे योगर्ट गिर जाता है जिस वजह से उसका ड्रेस वहीं पर खराब हो जाता है और वो दुखी होकर वापस घर चली आती है। घर पर हम विलियम को देखते हैं जो घर पर ही थेरेपी करता रहता है। आज के दिन उसके पास एक अनजान पेशेंट आता है जो विलियम को कुछ बताना चाहता है लेकिन विलियम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलता है, लेकिन उसकी हालत और उसकी बातों को सुनकर उसे अंदर बुलाता है जिसके बाद वो अपने सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है और वो आदमी अपना नाम लिस्टर बताता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर थेरेपी के लिए नहीं आया है बल्कि वो विलियम को अजीब अजीब बातें बताने लगता है। आगे लिस्टर बताता है कि कुछ टाइम पहले ही उसकी छोटी बेटी का डेथ हो गया है और उसकी मौत का रीजन अननोन था। तब से लिस्टर और उसकी वाइफ सदमे में चल रहे हैं जिस वजह से वो दोनों अपने बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं और उसी की वजह से उसकी बाकी बच्चे भी एक एक करके मारे गए और उन्हें किसी मॉन्स्टर क्रिएचर ने मारा था जिसकी वो ड्राइंग विलियम को दिखाने लगता है जिसे कि उसके बच्चों ने ड्रॉ किए थे। आगे वो बताता है कि विलियम को उसकी बातें काफी सीरियस लेनी चाहिए क्योंकि रिसेंटली ही उसकी वाइफ की मृत्यु हुई है और वो मॉन्स्टर क्रिएचर तभी आता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और यहाँ पर लिस्टर कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्टिंग में जो बच्ची मरी थी उसी का फादर होता है। लेकिन उसकी सारी बातें सुनने के बाद विलियम को काफी वियर्ड लगता है और वो उसे साइको किलर समझने लगता है, इसलिए वो उठकर दूसरी तरफ जाकर पुलिस को फोन करने लगता है। तब तक घर पर सैडी भी आ जाती है जो उस ड्रेस को धोने के लिए मशीन में डालती है और हम उसके पीछे लिस्टर को खड़ा पाते हैं जिसे कि सैंडी देख नहीं पाती है। तभी उसे अपने मॉम के वर्कशॉप से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है तो सैडी उस तरफ चली जाती है चेक करने के लिए तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है बल्कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखता है और आगे चलने पर उसे कबर्ड के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी वहां पर विलियम भी आ जाता है तो दोनों वहां पर लिस्टर की बॉडी को देखते हैं जो कि टंगी हुई होती है जो अब मर चुका होता है। उसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अंदर से काफी ज्यादा डर भी जाते हैं जिसके अगले सीन में वहां पर पुलिस आती है और सभी को लगता है कि लिस्टर ने खुद को ही खत्म कर लिया होगा। लेकिन सैडी का कहना था कि उसने यहाँ पर किसी मॉन्स्टर या फिर क्रिएचर की आवाज़ सुनी थी लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। रात को विलियम सोयर को सुलाता है और उसकी तसल्ली के लिए उसके रूम को चारों तरफ से चेक करने लगता है कि कहीं पर मॉन्स्टर तो छिपा हुआ नहीं है, जिसके बाद वो सैंडी से मिलता है और सोने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर हम उन दोनों की हालत देखते हैं और ऐसा लगता है कि विलियम अपने वाइफ के जाने के बाद और सैंडी अपने मॉम को खोने के बाद काफी दुखी है और अंदर से काफी सदमे में जी रही है। खैर, इन सब के बाद सैंडी कुछ ऑनलाइन वीडियो को देखती है जिसमें कि किसी स्पीड से कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वैसा वीडियो देख रही होती है। तो उसे यहाँ पर एक वीडियो मिलता है जिसमें कि कुछ कैंडल को जलाया जाता है और उसके फ्लेम के मूव करने का मतलब है कि उसके आसपास कोई स्पिरिट है, लेकिन उसकी यह कोशिश बेकार हो जाती है। इधर हम सोयर को देखते हैं जिसके कबर से कुछ आवाजें आ रही होती है जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि कोई मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर कबर्ड से निकलकर सीधे उसके बेड के नीचे गया है। तो सॉयर डरते हुए नीचे देखने लगती है तो उसे वहां पर एक मॉन्स्टर दिखता है जिससे वो डरकर वहीं पर नीचे गिर जाती है
और वो मास्टर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद सॉयर सैंडी के पास जाती है और उसे मास्टर के बारे में बताने लगती है। लेकिन सैंडी को लगता है कि वह ऐसे ही डर रही है और यहाँ पर सॉयर का एक मिल्क टीथ हिल रहा होता है, तो सैंडी उसके उस दांत पर एक धागे को बांध देती है और उस धागे का दूसरा सिरा डोर के हैंडल में बांध देती है, तो अचानक ही वो डोर अपने आप ही तेजी से बंद हो जाता है, जिस वजह से सॉयर का दांत वहीं पर टूट जाता है। और यहाँ पर सैंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उसने दरवाजा को बंद नहीं किया था, और वो सॉयर को संभालने में बिजी हो जाती है और वो सॉयर को अपने पास ही सुलाती है। उनके सोने के बाद हम उस दांत को देखते हैं जिसे कि कोई खींच रहा होता है, मतलब साफ होता है कि इनके अलावा भी इनके घर में कोई है। अगले दिन दोनों बहनें अपने फैमिली थेरेपिस्ट डॉक्टर वेलेट के पास जाती हैं, जहाँ पर विलियम को जाना था, लेकिन वह काफी समय से अपने थेरेपी के लिए नहीं आता है। और यहाँ पर बात करते हुए सॉयर डॉक्टर को उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है, तो सैंडी उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि मॉन्स्टर नहीं है, यह सब उसके दिमाग का एक भ्रम है। तो डॉक्टर यहाँ पर उसके भ्रम को दूर करने के लिए सारी लाइट को ऑफ कर देती है और एक रेड लाइट लेकर आती है और सॉयर से कहती है कि यह लाइट धीरे धीरे ब्लिंक करके बंद हो जाएगी और उसका भ्रम भी यहीं पर टूट जाएगा। लेकिन वो लाइट जैसे ही बंद होती है, सॉयर को वहाँ पर वही मॉन्स्टर फिर से दिखाई देने लगता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। तो यहाँ पर सैंडी उसे संभालने लगती है और अब उसे सॉयर की बातों पर धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। रात के समय सैंडी लिस्टर के थेरेपी सेशन की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, जिसमें कि लिस्टर ने उस मॉन्स्टर के बारे में बताया था जिसका नाम बोगी मैन होता है। तभी वहाँ पर सैंडी को वही ड्राइंग मिल जाती है जिसे कि लिस्टर के बच्चों ने ड्रॉ किया था। दूसरी तरफ हम सॉयर को देखते हैं जिसे कि बोगी मैन फिर से हंट करने लगता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से भागकर सैंडी के पास जाती है और वहाँ पर उस ड्राइंग को देखकर कहने लगती है कि यही वो मास्टर है जो उसे हंट करता रहता है। तो उसकी सारी बातें सुनकर सैंडी उसके बातों को सीरियस लेने लगती है, जिसके बाद वो अगले दिन अपने फ्रेंड बेथनी के साथ मिलकर लिस्टर के घर पर जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसे वहाँ पर काफी अजीब अजीब सिंबल दिखने लगते हैं जो लगभग सारे जगहों पर फैले हुए थे, और ऐसे ही सेम सिंबल उसके घर में भी आने लगे हैं, यानी कि उसके घर पर भी बोगीमैन का हमला हो चुका है। खैर, इन सब के बाद सैंडी ऊपर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर हर तरफ कैंडल जल रहे होते हैं और उन सबके बीच में एक शॉर्ट गन लेकर लिस्टर की वाइफ रीटा खड़ी होती है, जो कि मेंटली डिस्टर्ब लग रही होती है और वह इस फैमिली में इकलौती बची होती है। तो सैंडी यहाँ पर रीटा से बोगीमैन के बारे में पूछने लगती है, तो रीटा उसे बताती है कि बोगीमैन ने ही उसकी फैमिली को मारा है और वो यहाँ पर बोगीमैन का ही इंतजार कर रही है ताकि वो बोगीमैन को मारकर अपना बदला ले सके। आगे वो बताती है कि बोगीमैन ट्रामा के वजह से आता है और ट्रामा की वजह से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जिस फैमिली के अंदर ट्रामा होता है वो वहाँ पर अपना घर बना लेता है और बोगीमैन ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि बोगीमैन सबसे पहले लिस्टर के घर पर आया था और वो लिस्टर की फैमिली को मारकर लिस्टर के साथ ट्रेवल करके सैंडी के घर पर चला गया, जहाँ पर सैंडी की फैमिली ट्रामा में जी रही होती है। खैर, यहाँ पर इन सबके बाद रीटा को सैंडी के पीछे बोगीमैन दिखाई देने लगता है, तो वह तुरंत उस पर गोलियां चलाने लगती है, जिस वजह से सैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी तरह बचते हुए वहां से भाग जाती है। घर आने के बाद सॉयर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, तो सैंडी उसे डांटने लगती है कि कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है। तभी उनका दरवाजा तोड़कर बोगीमैन अंदर आता है जो उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी नींद अचानक से खुल जाती है, मतलब यह होता है कि यह सब उसका एक नाइटमेयर होता है। तभी उसे अपने माँ के वर्कशॉप से कुछ आवाजें आने लगती है, तो वह जाकर देखती है तो उसके पिता उसके मॉम के सारे सामान को पैक कर रहे होते हैं वहाँ से हटाने के लिए, ताकि उन चीजों से उसकी याद ना आए। लेकिन यह सब सैंडी को पसंद नहीं आता है और वो अपने पिता से बात करके सारे सामान को रखने के लिए जाती है, तो उसे उस सामान में से एक लाइटर मिलता है, साथ ही एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें कि उसकी मॉम ने एक लल्ला भाई ग्लोरी गाई होती है। खैर, यहाँ पर सैंडी उस लाइटर के फ्लेम को जलाती है और कहती है, मॉम अगर आप यहाँ पर है तो उसे कोई इशारा दे और फ्लेम को लेफ्ट की तरफ मोड़े, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर बोगीमैन आ जाता है जो वीडियो वाली ग्लोरी को रिपीट करने लगता है, जिस वजह से डर कर सैंडी वहाँ से बाहर भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में सैंडी की फ्रेंड बेथनी प्लान बनाती है कि वो लोग सैंडी के घर पे एक छोटा सा पार्टी रखेंगे, जिस वजह से सैंडी का मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। पार्टी में बेथनी के अलावा कुछ और भी लड़कियां होती है जो कि सैंडी के मॉम के लाइटर का यूज करके स्मोक करने लगती है, और स्मोक की वजह से सैंडी खांसने लगती है और वो खांसते खांसते तुरंत वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसके गले से सॉयर का दांत निकलता है, वो भी धागे के साथ। तभी वहाँ पर बाकी लड़कियां भी आ जाती है
जिसमें कि एक लड़की जिद करने लगती है कि वह उसे वह कमरा दिखाए जहां पर लिस्टर मारा गया था। तो सैंडी उन्हें वही कमरा दिखाने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़की सैंडी को अंदर धक्का दे देती है और कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। और उस कमरे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है, जिस वजह से बोगीमैन सैंडी पर हमला कर देता है। तो सैंडी चिल्लाने लगती है और दरवाजे के खोलने की कोशिश करने लगती है, और वो किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आती है। और डर की वजह से सैंडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, तो वह तुरंत ही उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। और इसी के साथ सारी लड़कियां वहां से वापस चली जाती है, क्योंकि उन लड़कियों में से कोई भी एक लड़की ने उस दरवाजे को बंद नहीं किया था और ना ही उसे धक्का दिया था। खैर, वहीं दूसरी तरफ सॉयर टीवी देख रही होती है, तभी वहां पर बोगीमैन आ जाता है जो उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। तो सॉयर को तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो सैंडी यहां पर अपने पिता को बताने की कोशिश करने लगती है कि उनके पीछे सच में कोई मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, लेकिन विलियम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तभी सैंडी को रीटा का फोन आता है जो उसे बताती है कि उसे बोगीमैन का मारने का रास्ता मिल गया है, और वो उसे जल्दी से अपने घर को बुलाती है। तो सैंडी जल्दी से ही रीटा के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि रीटा ने घर में हर जगह पर वायर और विंग्स का सेटअप किया है, ताकि जैसे ही वहां पर बोगीमैन आए वैसे ही उस पर बहुत सारी गोलियां ऑटोमेटिक चलने लगे। और यहां पर रीटा बोगीमैन को अपने जाल में फंसाने के लिए सैंडी को जबरदस्ती बांध देती है, और वो सैंडी को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने लगती है। तभी वहां पर बोगीमैन भी आ जाता है, जिसे कि बहुत सारी गोलियां भी लगने लगती है, जिस वजह से रीटा को लगता है कि बोगीमैन मारा गया है, लेकिन वो मरा नहीं होता है, क्योंकि उसी वक्त बोगीमैन रीटा पर अटैक कर देता है। और सैंडी किसी तरह अपने आप को फ्री करके वहां से बाहर निकलती है, और वो अपने पिता को फोन करती है। तो उसके पिता सॉयर के साथ घर पर आ चुके होते हैं, तो उनसे सैंडी कहती है कि वो घर की सारी लाइटों को जला दें, और हो सके तो किसी लाइट वाले एरिया में चले जाएं। और यहां पर विलियम कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहां पर बोगीमैन आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद सैंडी जल्दी से घर पहुंचती है, जहां पर वो सॉयर को सेफली एक कबर्ड के अंदर पाती है। और यहां पर सॉयर अपना दिमाग लगाकर लाइट को ही अपने पूरे शरीर पर लपेट रखा होता है, लेकिन बोगीमैन इनके पिता को खींचकर नीचे पेसमेंट में ले गया होता है। तो दोनों बहनें अपने पिता को बचाने के लिए पेसमेंट में जाती है। तो सैंडी यहां पर अपने मॉम वाली लाइटर को जलाती है, जिसका फ्लेम अभी लेफ्ट की तरह मूव कर रहा होता है, मतलब उसकी माँ की स्पीड उसके साथ है। तभी बोगीमैन चलाके से सैंडी पर हमला करने लगता है और उसे कंज्यूम करने लगता है, लेकिन विलियम भी उस पर हमला कर देता है। तो जल्दी से सैंडी फ्री होकर बोगीमैन के ऊपर स्प्रे करती है और लाइटर को जलाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। और पीछे से सॉयर भी बोगीमैन के ऊपर ऑयल फेंकने लगती है, जिस वजह से बोगीमैन आके लपेट में आ जाता है और वो पूरी तरह से जलने लगता है, साथ ही उसके विंग्स भी पूरी तरह से जलने लगते हैं। और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल जाती है, और हम देख पाते हैं कि सैंडी की माँ का सामान भी पूरा जलने लगता है। फिर सभी लोग किसी तरह घर के बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर विलियम के पैर में थोड़ी बहुत चोट भी लगी होती है। फिर यह शिफ्ट होने के बाद हम डॉक्टर्स वायलेट के सेशन को देखते हैं, और उनके सेशन में विलियम, सैंडी, सॉयर होते हैं, जो कि अब अपने ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होते हैं, और यह फैमिली एक सही मार्ग पे चल रही होती है। और यहाँ से जाने से पहले डॉक्टर सैंडी को अंदर बुलाती है, तो सैंडी अंदर चली जाती है, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं होती है, बल्कि उसे वहाँ पर एक क्लोजेट का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है, जो कहती है कि वो अभी यहीं पर है, वो घर क्यों नहीं गई, यानी कि डॉक्टर की आवाज में बोगीमैन ने सैंडी को अंदर बुलाया था, मींस की बोगीमैन अभी मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी द बोगीमैन मूवी की स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।